सरदार क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में 2014 में जब से मोदी सरकार आई तब से उन्होंने महिला और युवा ये दोनों को सशक्तिकरण करने का उन्होंने जो निर्धार किया था आज उसके उदाहरण स्वरूप आज वसई से हमारी एक महिला बहन को उम्मीदवारी दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की वसई पूरे तालुका की जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है। 35 साल की सत्ता से यहाँ की जनता त्रस्त है और ये हमारे दोनों उम्मीदवार दोनों नहीं तीनों मतलब बोईसर से भी हमारा उम्मीदवार चुन के आएगा। आपको 23 नवंबर को यहाँ पे भगवा लहरा हुआ दिखेगा पूरे वसई तालुका में।